हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास दो अपडेट्स आई थी। उन दो अपडेट्सों के ऊपर हम बात करने के लिए काफ़ी समय से बोल रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन हम बात नहीं कर पाए। जो पहला नंबर है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के जो मीटिंग हुआ था उसका क्या है, और दूसरे नंबर पे बिहार राज्य में एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक जो बड़ा आंदोलन किया गया है, उस बड़े आंदोलन का ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से फायदा मिला। अब दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में हो सकता है कि बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि सामने खड़ा होकर जब मैं समझा देता हूँ आपको, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। और अगर डायरेक्ट पिक्चर दिखा के मैं आपको समझा दूँ तो वहाँ पर उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। सबसे पहले देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर को एक पत्र लिखा गया, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के माध्यम से लिखा गया। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन संबंधी समस्या के बारे में बताया था। और देखिए, इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले दिल्ली में ऑलरेडी बातें हो चुकी थी। दिल्ली में जो तो ईपीएफओ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ में मुलाकात हुई थी, उनके साथ में मीटिंग हुई थी, और साथ ही साथ में उनसे बात हुई थी, और यह बताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ में जो ऑप्शन फॉर्म है, ज्वाइंट फॉर्म है, सब में प्रॉब्लम्स आ रही है। और पूरी बात अच्छे से इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से वहाँ से भी सहमति जताई गई थी कि ठीक है, कुछ कुछ हिस्सों को छोड़ के, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है तो पूर्ण रूप से बदलाव करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन देंगे। लेकिन वहाँ से भी पेंशन नहीं मिल पाया, तब स्टैंडिंग कमेटी या लेबर को जो तो यहाँ पे पेंशन की बात कही गई, उनको जो तो पत्र यहाँ पे लिख के भेजा गया। आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुद सामने सामने से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, बिहार राज्य में भी ईपीएफओ के विरोध में ईपीएस 95 पेंशन धारक साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से एक लंबा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। अब उसमें जितने भी ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी थे उनके खिलाफ जो तो विरोध प्रदर्शन किया गया, उनके खिलाफ जिनके साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के सदस्यों के द्वारा मुलाकात किया गया था, जिनके साथ में मुलाकात हुई थी, और जिन्होंने यह आश्वासन दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में जल्द ही वृद्धि की जाएगी, इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस कदम या कार्रवाई नहीं किया गया, जिस वजह से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम बिहार राज्य के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उनके साथ में मिलकर प्रोटेस्ट कर दिए। अब बात यह है कि बिहार राज्य के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी राष्ट्रीय संघर्ष समिति टीम के साथ में हैं, उनके समर्थन में हैं, और ईपीएस 95 पेंशन धारक दिल्ली के जो ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी थे उन्हें उनकी बात याद दिलाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में वहां से ज्ञापन भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजा गया, वहां के जो अपने लोकल पत्रों में भी यह जानकारी निकल के सामने आई। तो इस प्रकार से समस्त जानकारियों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि न होने की वजह से वहां से अवगत कराया, वहां बात किए। अब लगभग जो ये जानकारी आ रही है कि कुछ न कुछ डिसीजन निकालने के लिए चले गए हैं, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ आगे डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा वो डिसीजन जब भी निकल के सामने आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आपको यह जानकारी, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।